हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शिवांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, बाहुबली फेम डायरेक्टर एस एस राजामौली ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर के पोस्ट थिएट्रिकल डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स बेच दिए हैं। जी, नेटफ्लिक्स और स्टार ने फिल्म के पोस्ट थिएट्रिकल डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स खरीदे हैं, जिस बात की जानकारी मेकर्स ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी। फिल्म के तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ वर्जन के डिजिटल राइट Z5 ने खरीदे हैं, तो वहीं ट्रिपल आर के हिंदी, इंग्लिश, पुर्तगाली, कोरियाई, तुर्की और स्पैनिश वर्जन के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने लिए हैं। इसके अलावा जी नेटवर्क ने फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं, जबकि स्टार इंडिया नेटवर्क ने फिल्म के तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और एशिया नेट ने मलयालम वर्जन के सैटेलाइट राइट खरीदे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी ग्रुप ने ट्रिपल आर के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स 300 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। हालांकि नेटवर्क और फिल्म मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर इस डील के फाइनेंशियल डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। नंबर 2, कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल भी फिल्में थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। मेकर्स फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं या फिर उनकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर रहे हैं। और अब हाल ही में 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए NSG कमांडो मेजर संदीप उन्नीकरण की बायोपिक मेजर की रिलीज डेट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मेकर्स ने पहले इस फिल्म को 2 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज करने का फैसला किया था। इस फिल्म में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की जानकारी लीड एक्टर अदिवि शेष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर करके दी। नंबर 3, साल 2006 में किसिंग कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में आए बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह और एक्ट्रेस राखी सावंत बुधवार को मुंबई में एक साथ नजर आए। पिछली सारी दुश्मनी भुलाकर दोनों गले लगे और एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। इतना ही नहीं, राखी ने इस दौरान मीका के पैर भी छू डाले। नंबर 4, संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा दिया गया है। ये वीजा पाने वाले संजय पहले बॉलीवुड एक्टर बन चुके हैं। इस जानकारी को फैंस के साथ शेयर करते हुए संजय दत्त ने अपनी पिक्चर्स भी शेयर की। UAE सरकार ने साल 2019 में लंबी अवधि के निवास वीजा के लिए एक नई प्रणाली लागू की थी, जिससे विदेशियों को राष्ट्र प्रयोजक की आवश्यकता के बिना UAE में रहने, काम करने और पढ़ाई करने में सक्षम बनाया गया। ये गोल्डन वीजा 5 या 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और स्वचालित रूप से रिन्यू होते हैं। नंबर 5, ईद पर रिलीज के बाद से ही सलमान खान की राधे और मोस्ट वॉन्टेड 22 समीक्षकों के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के ऊपर ढेर सारे मीम्स बने, लेकिन अब राधे की परफॉर्मेंस पर स्टार राइटर और सलमान के पिता सलीम खान ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा, राधे कतई एक ग्रेट फिल्म नहीं है, पर कमर्शियल सिनेमा की एक जिम्मेदारी होती है कि हर इंसान को पैसे मिल सके। आर्टिस्ट से लेकर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर और हर स्टेक होल्डर को पैसे मिलने चाहिए। जो सिनेमा खरीदता है उसे तो हर हाल में पैसे मिलने चाहिए। इसके चलते ही सिनेमा निर्माण और व्यवसाय का चक्र चलता रहता है। इस बेसिस पर तो सलमान ने परफॉर्म किया है, इस फिल्म के स्टेक होल्डर फायदे में हैं, बाकी राधे वैसी ग्रेट फिल्म तो नहीं है। नंबर 6, गुरुवार को मुंबई के कोकला बेन अंबानी हॉस्पिटल में अनुपम खेर की वाइफ, एक्ट्रेस और चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर की बूंद सर्जरी की गई। बताया जा रहा है कि ये सर्जरी सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 3 घंटे तक चली। इस सर्जरी में बोन मैरो से कैंसर संबंधी बोन निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान हॉस्पिटल में अनुपम खेर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि किरण खेर करीब 5 महीने से मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही हैं, जो ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार है। नंबर 7, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बीते रविवार को तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की। अब धीरे धीरे अनुराग कश्यप की हालत में सुधार आ रहा है। अनुराग के ऑफिस की तरफ से बताया गया है, फिलहाल अनुराग की सर्जरी हो रही है और वो पहले से बेहतर हैं और धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते तक आराम करने के लिए कहा है, उसके बाद ही अनुराग काम पर वापसी कर सकते हैं। नंबर 8, सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के खिलाफ बुरी बातें बोलने पर सलमान की टीम की तरफ से KRK पर लीगल एक्शन लिया गया। अब KRK सलमान के पिता को ट्वीट कर उनसे अपने किए के लिए माफी मांग रहे हैं और एक ट्वीट में KRK ने सलीम खान से कहा कि प्लीज सलमान से कहिए कि वो केस को आगे ना बढ़ाए। देखिए वो ट्वीट्स, रिस्पेक्टेड सलीम खान साहब, आई एम नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय सलमान खान फिल्म्स और हिज करियर। आई रिव्यू फिल्म्स जस्ट फॉर फन। इफ आई नो दैट सलमान गेट अफेक्टेड बाय माई रिव्यू, सो आई वोंट रिव्यू। इफ यू कुड हैव आस्क्ड मी टू नॉट रिव्यू हिज फिल्म, सो आई वुड हैव नॉट रिव्यू। Therefore, there is no need to file a case to stop me from reviewing his film. Salim sir, I am not here to hurt anyone, so I won't review his film in the future. Please ask him to not proceed the case. I will delete my review videos also, if you want.
थैंक यू सलीम साहब। नंबर 9, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को पहले दोस्ताना 2 से बाहर किया गया और फिर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें बैन कर दिया। अब ताजा खबरें हैं कि कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज ने अपनी अगली फिल्म से बाहर कर दिया है। फ्रेडी नाम की इस फिल्म में कार्तिक और कटरीना कैफ नजर आने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से बाहर करने की वजह दोस्ताना 2 वाली है। कार्तिक ने एक बार फिर से स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग की, जबकि फिल्म साइन करते वक्त उन्होंने स्क्रिप्ट पर हामी भर दी थी। हालांकि इस पर रेड चिलीज का बयान और ना ही कार्तिक का कोई रिएक्शन सामने आया है। एंड नंबर 10, हाल ही में जब सोनू सूद अपने घर से बाहर निकले तो एक महिला उनसे मिलने आई। महिला सोनू को राखी बांधना चाहती थी, ऐसे में सोनू सूद ने महिला की बात मानी और राखी बंधाई। सोनू को राखी बांधने के बाद महिला खुश हो गई और सोनू के पैर छूने लगी। सोनू ने तुरंत ही महिला को रोका और कहा कि वो ऐसा ना करे। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोनू सूद के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।